हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैग एंड वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, एक महीने पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था पोजिंग मास्टर क्लास, जो कि था इंडोर आउटडोर और मॉडलिंग की पोजिंग के रिलेटेड। और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर उस वीडियो को 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते तो मैं उस वीडियो का पार्ट टू बनाऊंगा, जो कि रहेगा वेडिंग के पोजिंग से रिलेटेड। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, वेडिंग कपल पोजिंग मास्टर क्लास। सो आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक वेडिंग के अंदर अपने कपल को कैसे पोजेस बता सकते हो, क्रिएटिव पोजेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, पोजेस को कैसे याद कर सकते हो, मतलब ऑल अबाउट वेडिंग पोजेस। वेडिंग पोजेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद में आपको वेडिंग के पोजेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस मुझ पे बिलीव करिए। और पिछला वाला जो मास्टर क्लास था उसको ऑलरेडी हमारे 40,000 सब्सक्राइबर के ऊपर 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारा कंटेंट किस लेवल का होता है। सो वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे जो पहली हमारी ट्रिक है वो है एक्सेसरीज और मटेरियल पोजेस। मतलब क्या है, देखिए आपको मैं कुछ ऐसे 5 एक्सेसरीज और मटेरियल के नेम बताऊंगा और उस पर कैसे फोटोशूट करते हैं, कैसे पोजेस क्रिएट करना है, ऐसे 5 पोजेस बताऊंगा, ताकि जब भी वो 5 मटेरियल आप साथ में लेके जाओ तो मटेरियल को देख के आपको ऑटोमेटिकली पोजेस याद आ जाएंगे। सबसे पहला मटेरियल है फोटो फ्रेम, फिर जो सेकेंड है वो है गॉगल्स, फिर जो थर्ड है वो है बुके, फिर जो फोर्थ है वो है क्राउन। अब मैं आपको इन 5 चीज़ों पर कैसे फोटोशूट करते हैं या फिर कैसे पोजेस क्रिएट करना है, ऐसे कुछ पोजेस बताता हूँ, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर उसको सेव करके रख लो। सो इस तरीके से आप अपने दिमाग से, मतलब खुद के कुछ स्टडी से सर्च करके वगैरह, और भी कुछ मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं जिनको आप अच्छे से पोजेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अगर लिस्ट दे दूंगा तो वो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट वेडिंग पे आपको सारी चीज़ें याद नहीं आएगी। तो मैं लिमिटेड बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी, और जैसे ही उन मटेरियल का नाम याद आएगा आपको पोज भी याद आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वो मटेरियल साथ में लेके जाना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपोजिट डायरेक्शनल पोजेस। ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग और यूनिक पोजिंग का स्टाइल है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए जो कपल रहता है वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं खड़े होते, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, दोनों का देखने का नज़रिया, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो अलग होता है। इसकी वजह से बहुत ही एक अलग कंपोजिशन क्रिएट होता है। अब मैं इसको वर्ड्स के अंदर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ फोटोज़ आपको दिखाता हूँ तो उन फोटोज़ से आप समझ जाओगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि कंपोजिशन का थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों जो कपल है, मतलब लड़का और लड़की, दोनों को बैलेंस करना है। सिर्फ दोनों का जो डायरेक्शन है उसको अलग अलग रख सकते हो। मैं अभी आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन पोजेस। एक्शन पोजेस मतलब क्या है, देखिए समझो आपका कपल ज़्यादा एक्सपीरियंसड नहीं है तो आप उनको कोई ना कोई एक एक्शन बता सकते हो, और वो लोग जब वो एक्शन कर रहे तब उसके अंदर से आप कैंडिड इमेजेस निकाल सकते हो। अब मैं आपको वो कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला समझो वो दोनों वॉक कर रहे, तो ये एक एक्शन हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, उनको वॉक करने के लिए बोल सकते हो, वहाँ पे एक आपको इमेज मिल जाएगा। फिर सेकंड चीज़ समझो, लड़का क्या कर रहा है, उस लड़की को रिंग दे रहा है, मतलब आप बोल सकते हो आप उनको रिंग दो, तो वो रिंग दे रहा है उसको और वहाँ पे आपका एक पोज बन जाएगा। और समझो उस लड़के ने क्या किया है, उसके पास एक बाइक या बुलेट, लड़की पीछे बैठी हुई है और उसको लेके जा रहा है, तो ये एक एक्शन हुई, तो आप उनको एक एक्शन करने को बोलना है और उसमें भी आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा। और एक एक्शन बता दो, समझो क्या हुआ है, लड़के ने उस लड़की को ऐसे मतलब हाथों से पकड़ा हुआ है और लड़की राउंड घूम रही है, तो ये एक एक्शन हुए। तो इस तरीके के अलग अलग एक्शंस क्या कर सकते हो, आप कस्टमर को बोल सकते हो और वो लोग जब वो एक्शन बना रहे हैं, मतलब एक्शन कर रहे, तो वहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगी। सो अभी मैं आपको कुछ एक्शन पोजेस बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए और उनको आप सेव करके रख सको। सर्च फॉर द लेयर्ड लोकेशन। अब देखिए नॉर्मल लोकेशन और लेयर्ड लोकेशन में डिफरेंस क्या होता है बता देता हूँ।
समझो आपके आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह है, समझो बैकग्राउंड अच्छा है लेकिन बीच में प्लेन एरिया है, वहाँ पे आपने कपल को खड़ा किया है, तो वो वाला जो लोकेशन रहेगा वो नॉर्मल लोकेशन रहेगा। अब आपको बता देता हूँ कि लेयर्ड लोकेशन क्या होता है। लेयर्ड लोकेशन मतलब ऐसा लोकेशन जहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ है, हाथ रखने के लिए भी कुछ है, मतलब अलग अलग हाइट्स के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें साइड में रखी हुई है। जैसे कि कुछ साइड में एक ऐसा समझो बैठने के लिए भी कुछ है, समझो साइड में पोल भी है, पीछे एक दीवार भी है, इस तरीके का मतलब समझो किसी कॉर्नर में थोड़ा सा मतलब चीज़ों से भरा हुआ जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा लेयर्ड लोकेशन। अब देखिए लेयर्ड लोकेशन आपको क्यों चूज़ करना है, अगर आपके आजू बाजू में कुछ भी चीज़ें नहीं है, प्लेन लोकेशन है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा कस्टमर को पोजेस नहीं बता सकते। मतलब समझो आजू बाजू में कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप अगर मुझे कुछ पोजेस बताओगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि पोजेस कैसे बताऊँ उसको, ठीक है। मतलब पोजेस करने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि आजू बाजू में कुछ भी चीज़ें नहीं रहती है, तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा और सामने वाले कस्टमर को भी कन्फ्यूजन होगा। और आप वहीं पे मतलब जहाँ पे आजू बाजू में कुछ भी नहीं है ऐसे लोकेशन पे अगर अलग अलग पोजेस के अंदर फोटो भी निकालोगे तो सारे फोटो एक जैसे लगेंगे। तो आपको क्या करना है, लेयर्ड लोकेशन चूज़ करना है। अब लेयर्ड लोकेशन पर आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है पोजेस बनाने के लिए। समझो साइड में पोल है, नीचे बैठने के लिए भी कुछ है, साइड में एक अलग वॉल है, तो आप अलग अलग जगह पे कुछ बैठ के, कुछ खड़े होके, कुछ वॉल को मतलब ऐसे खड़े होके अलग अलग पोजेस बना सकते हो। अब मैं आपको दोनों लोकेशन के कुछ पोजेस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ये एक प्लेन लोकेशन है, तो यहाँ पे आप अगर कितने भी पोजेस अलग अलग ट्राई करोगे तो सारे फोटोज एक जैसे रहेंगे क्योंकि आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। और आप ये वाला जो लोकेशन देख रहे हो लेयर्ड लोकेशन है, अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग चीज़ें हैं, ताकि यहाँ पर आप कुछ बड़े, कुछ खड़ा होके, कुछ बैठ के, कुछ वॉल के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजेस क्रिएट कर सकते हो। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्क्रिप्टेड ग्रुप पोजेस। मतलब क्या है, देखिए आप क्या करो वेडिंग के अंदर, जब भी वेडिंग खत्म होता है, अब देखिए इस पॉइंट के अंदर आपको टाइम मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता चल जाएगा जब भी वेडिंग खत्म हो जाता है तब आपको क्या करना है, जो भी कपल है उनको बोलना है कि आप क्या करो 8 से 10 लोगों को, मतलब 4-5 लड़कियां और 4-5 लड़के आपके फैमिली के अंदर से बुलाओ, हम कुछ अलग अलग क्रिएटिव पोजेस बनाने वाले। सो अभी कुछ क्रिएटिव ग्रुप पोजेस दिखा देता हूँ, उनको देख लीजिए। अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रिएटिव स्क्रिप्टेड पोजेस। अब देखिए जब भी आप वेडिंग के अंदर जाते हो और कपल को आपको पोजेस बताना होता है तो उस टाइम पे आपको पोजेस आप अगर थोड़े बहुत याद करोगे तो याद आ जाएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आप याद नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, वेडिंग को जाने से पहले ही कुछ सिर्फ 7 से 8 पोजेस याद कर लेने हैं, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व कर लेने हैं, फिर उन पोजेस के लिए क्या क्या मटेरियल रहेगा वो मटेरियल कलेक्ट करना है और फिर आपको वेडिंग के लिए जाना है। फिर आपको मटेरियल देख के याद आ जाएगा कि इस मटेरियल पे हमें कैसे शूट करना था, तो आपको पोजेस याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसी के साथ साथ अच्छे अच्छे आप जो क्रिएटिव पोजेस है उनको बना सकते हो। सो अभी मैं आपको कुछ क्रिएटिव पोजेस बताता हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर उसको सेव भी करके रख सकते हो। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कपल के पोजेस से रिलेटेड वो है टचिंग पोजेस। टचिंग पोजेस मतलब क्या है, देखिए अब मैं आपको जो पॉइंट्स बताता हूँ उसको आपको सही से ध्यान देना है ताकि उन पोजेस को आप दिमाग में फिट कर सको और आपको पोजेस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। टचिंग पोजेस मतलब क्या है, देखिए जो कपल खड़ा होता है, ब्राइड और ग्रूम मतलब दूल्हा और दुल्हन, किसी भी बॉडी पार्ट को टच करते हुए आप अलग अलग पोजेस बता सकते हो। मैं आपको कुछ 4 पोजेस बताता हूँ। सबसे पहला हैंड टच, फिर है चेस्ट टच, फिर है शोल्डर टच, फिर है फोरहेड टच। अब इन चारों पोजेस के मतलब चारों बॉडी पार्ट्स को टच करते हुए मैं 4 पोजेस बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इन 4 बॉडी पार्ट्स को याद रख लेना है ताकि आप जैसे ही वेडिंग पे जाओ तो चारों पोजेस आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे।
अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शूट थ्रू पोजेस। शूट थ्रू पोजेस मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ के अंदर से आप फोटो निकाल रहे हो, लेकिन कम से कम 3 साइड्स के अंदर वो जो साइड का चीज़ है वो होना चाहिए। जैसे कि समझो मैं किसी पेड़ के अंदर से फोटो निकाल रहा हूँ कपल का, फ्रेम के चारों बाजू में पेड़ नहीं होना चाहिए, ऊपर साइड में और मतलब ऊपर राइट और लेफ्ट दोनों साइड में अगर कुछ मतलब पत्ते हैं या फिर किसी पेड़ के अंदर से आप फोटो निकाल रहे हो और बीच में कपल है तो उसको आप बोलोगे शूट थ्रू। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के अंदर से निकाल सकते हो, जैसे कि सामने दो लोग खड़े हैं उनके गैप के अंदर से निकाल रहे हो, या फिर पेड़ों के बीच में से निकाल रहे हो, या फिर हॉल में कोई तो समझो मतलब कोई तो आपको क्रिएटिव एंगल नज़र आ रहा है उसके बीच में से निकाल रहे हो, या फिर किसी फोटो फ्रेम के अंदर से निकाल रहे हो, मतलब अलग किसी भी चीज़ के अंदर से आप फोटो निकाल रहे हो, बीच में वो चीज़ दिख रही है और सामने फोरग्राउंड में कुछ अलग चीज़ है, तो उसे बोलेंगे शूट थ्रू पोजेस। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए समझो आपके क्लाइंट को या फिर कपल को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पोजेस का, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल पोजेस बता सकते हो। समझो कपल ने क्या हो गया, सिंपल वो लोग दोनों खड़े हैं या फिर बैठे हुए, कपल को पोज तो सिंपल ही बताना है लेकिन एंगल आपको शूट थ्रू लेना है। अभी मैं आपको कुछ शूट थ्रू के एग्जांपल्स बता देता हूँ, उन सारे पोजेस को आपको याद रखना है या फिर उसको सेव करके भी रख सकते हो। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोजेस विथ टॉप एंगल। अब देखिए वेडिंग में जब भी आप जाते हो तब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट एंगल से ही सारे पोजेस क्रिएट कर लेते हैं, तो पोज कितना भी यूनिक होगा तो भी वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन नहीं जाता किसी भी कस्टमर का या फिर किसी भी मतलब किसी भी लोगों का। तो आपको क्या करना है, पोजेस को तो ध्यान रखना ही है लेकिन एंगल का भी ध्यान रखना है। आप क्या करो, एंगल थोड़ा सा क्रिएटिव लो। तो इस पॉइंट के अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है कुछ टॉप एंगल से फोटोज़ क्लिक करो। आप टॉप एंगल से फोटोज़ कैसे क्लिक करना है, देखिए आप क्या कर सकते हो, एक चेयर ले सकते हो या फिर एक टेबल ले सकते हो, टेबल के ऊपर खड़ा होकर आपको फोटो क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट मतलब 50 mm 85 पे तो फोटो निकलेगा नहीं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट कम से कम 24 mm या फिर किट लेंस लेना पड़ेगा जिसका एंगल थोड़ा सा वाइड हो, और वहाँ से आपको बहुत ही अलग अलग क्रिएटिव एंगल्स देखने को मिलेंगे। या फिर आपको समझो डेस्टिनेशन वेडिंग है तो आप बालकनी के अंदर से नीचे कपल को खड़ा करके भी पोजेस बना सकते हो। तो आपको मैं कुछ ऐसे 5 क्रिएटिव टॉप एंगल के पोजेस बताता हूँ, तो उसको आप सेव करो या फिर याद रख लो। सिर्फ इतना याद रखना है कि वेडिंग में जब जा रहे हो तब टॉप एंगल से कम इसके अंदर से 2 से 3 पोजेस तो आपको क्रिएट करने ही है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लिक कैंडिड्स ड्यूरिंग पोजिंग। मतलब क्या है, देखिए जब भी आप कपल को कोई भी पोज बता रहे हो तब वो कपल जिस टाइम पे पोज बना रहा है मतलब पोज क्रिएट कर रहा है उस टाइम पे आपको कैंडिड फोटोज क्लिक करने। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, पहले पोज सेट करते हैं, जब तक कपल रेडी नहीं हो जाता तब तक फोटोज नहीं खींचते आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है क्योंकि इस पॉइंट पे आपको बहुत ही अलग अलग और यूनिक पोजेस मिल सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फनी पोजेस। फनी पोजेस मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसे फनी पोजेस जहाँ पे मतलब आप जब भी पोजेस क्रिएट कर रहे हो तब ऑटोमेटिकली सबको हंसी आए और बहुत ही पॉजिटिव और स्माइल से भरा फोटो आए, तो ये जो फोटोज़ है थोड़े से क्रिएटिव भी लगेंगे और कैंडिड भी लगेंगे और उसके अंदर स्माइल भी कैप्चर हो जाएगी। तो आपको मैं कुछ फनी पोजेस दिखा देता हूँ, उनको आप याद कर लीजिए या फिर सेव करके रख लीजिए। ये तो सारे हो गए टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन अगर आपको एक कम टाइम के अंदर एक बेस्ट कपल का शूट करना है वेडिंग्स में तो आपको इन 7 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं थिंग्स यू नीड टू नो फॉर शूट द कपल बेस्ट फोटोज। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, चेक आउट द होल सराउंडिंग लोकेशन बिफोर। मतलब देखिए जब भी आप वेडिंग के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको वेडिंग स्टार्ट होने से पहले पूरा जो लोकेशन है उसको छान लेना है, देख लेना है कि कहाँ पर कपल की जो फोटोज़ है वो बेस्ट आएंगे, क्योंकि कपल के फोटोज निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, कम टाइम के अंदर आपको बेस्ट शूट करना है। तो पहले ही अगर आप लोकेशन डिसाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के पोजेस कहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट है कीप रेडी ऑल द मटेरियल्स बिफोर 30 मिनट्स। देखिए जैसे कि मैंने आपको किसी पॉइंट के अंदर मैंने बताया कि मटेरियल पोजेस, तो आपका जितना भी मटेरियल है जो आपको पोजिंग के लिए या फिर कपल के फोटोज़ के लिए लगने वाला है वो सारा मटेरियल्स आपको आधे घंटे पहले ही रेडी रखना है,
ठीक है, क्योंकि फिर जब भी आपको वेडिंग मतलब जब भी आप कपल के फोटो निकाल रहे हो तब आपको टाइम कम ना पड़े, ठीक है। उसके बाद में डोंट वेट फॉर द टाइम, फ्री टाइम, क्लिक व्हेन यू गेट चांस। अब देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने 50% तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जिसके लिए आपको टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा बहुत टाइम जरूर, कम टाइम के अंदर आप एक अच्छा शूट नहीं कर सकते। तो आप कभी भी फ्री टाइम के लिए वेट मत करो, या फिर ऐसा मत सोचो कि वेडिंग खत्म होने के बाद में मैं रुकूंगा और फिर अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करूंगा। वेडिंग स्टार्ट होने से लेके मतलब जब भी जो ग्रूम होती है वो मेकअप वगैरह जब हो जाता है, जब लड़का भी रेडी हो जाता है, तब से लेकर आपको जब भी टाइम मिले, जब भी चांस मिले, तब कपल का आप फोटो साइड में लेके उन्हें निकाल सकते हो, जब स्टेज पे कोई ना हो या फिर मतलब पूरा वेडिंग होने के बीच बीच में जब भी आपको चांस मिले तब आप फोटोज क्लिक करते रहो। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेट पोज अकॉर्डिंग टू कपल्स नेचर। अब मैंने आपको जितने भी पोजेस बताए, और ऐसा नहीं है कि हर एक कपल के ऊपर ये सारे पोजेस आप ट्राई कर सकते हो, हर एक कपल का नेचर अलग होता है, हर एक कपल का बिहेवियर अलग होता है, तो इनके अकॉर्डिंगली आपको पोजेस बताने। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिक्रीज द क्राउड। देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर लिया नहीं है क्योंकि तो कॉमन पॉइंट है। जब भी आप शूट कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों को पास में मत खड़े रहो, सिर्फ उनके फ्रेंड सर्कल, मतलब लड़की है उसके 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स, लड़का है उसके 2-3 फ्रेंड्स, बस इतना ही, इतने ही लोग अगर साथ में रहेंगे तो बेटर है। उससे ज़्यादा जितने भी छोटे लोग हैं, उनसे बड़े लोग हैं, पेरेंट्स वगैरह, ये नहीं रहेंगे तो ही उनको एक अच्छा फील होगा जब भी वो पोजिंग कर रहे हैं। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है, कीप द हेल्पर। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है जब भी आप वेडिंग के लिए जा रहे हो, तो खासली जब कपल के फोटोज आपको क्लिक करने पड़ते हैं तब आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तो एक लड़का आपके साथ में होना चाहिए जो पोजेस सेट करे, या फिर कपल को बताए कि पोज कैसे करना है, प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके करके दिखाए, या फिर जो भी मटेरियल्स है वो पकड़ने के लिए, कस्टमर को देने के लिए, कपल को देने के लिए हेल्पर रखो। क्योंकि देखिए अगर आपके पास में कोई हेल्पर नहीं है तो आपका कोई भी फ्रेंड, आप मतलब फ्रेंड को साथ में लेके जा सकते हो, 100-200 रुपये उसको भी दोगे तो भी नो प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कपल फोटोज़। अगर आपके वेडिंग के अंदर आपने अच्छे कपल के फोटोज़ अगर ही शूट नहीं करे तो फिर एल्बम कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब भी शूट कर रहे हो तो 10 टिप्स को तो याद रखना है, ये उसी के साथ साथ इन 7 चीज़ों को याद रखना है जब भी आप वेडिंग के अंदर जाते हो। सो गाइज, ये थे हमारे सारे पॉइंट्स, टॉप 10 कपल पोजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये जो 10 पॉइंट्स है इनको याद रख लेना है, भले ही आप इसके नोट्स बना लो, 3-4 बार याद करो। अब देखिए मैंने जो कॉमन बताए, टॉप एंगल, या फिर कैंडिड क्लिप्स ड्यूरिंग पोजिंग, या फिर एक्शन पोजेस, एक्सेसरीज पोजेस, इन सबको याद कर लो। अब देखिए इससे क्या होगा, थोड़े दिन आपको याद करना पड़ेगा, थोड़े दिन आपको पोजेस देख के बताने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये पॉइंट्स जैसे ही आपको याद रह जाएंगे, हर पॉइंट के अंदर जो भी मैंने आपको इमेजेस दिखाए सारे आपके मेमोरी के अंदर फिट हो जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद में आपको कुछ भी पोजेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि सारे पोजेस आपने देख देख के आपको रिवाइंड हो गए। हर एक पॉइंट के अंदर, मतलब जितने भी मैंने 10 पॉइंट्स बताएंगे, हर एक पॉइंट के अंदर के 3-4 पोजेस तो आपको याद आ ही जाएंगे। ओके, तो यही था हमारा आज का वेडिंग पोजेस का मास्टर क्लास। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट वाले वीडियो पे आपने 10,000 लाइक्स कंप्लीट करे थे, तो इस वीडियो पे मैं टारगेट करता हूँ 15,000 लाइक्स का। जैसे ही 15,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके लिए बहुत ही बड़ा मैं सरप्राइज लेके आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के अंदर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए यार, ऐसा वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है, सो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा व्लॉग का चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो व्लॉग का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, मुकेश में एक व्लॉग्स, वहाँ पे मैं व्लॉग्स वगैरह डालता रहता हूँ। और जो भी हमारे YouTube पे वीडियोस आते हैं उसके अंदर का जो फ्री डेटा रहता है, जो फ्री मटेरियल होता है, वो हम अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। सो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो। और पिछले वाले वीडियो में, मतलब पोजिंग मास्टर क्लास फर्स्ट पार्ट के अंदर, मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब पोजेस के सारे जितनी भी कैटेगरीज है उसके अंदर के कुछ बहुत ही अच्छे पोजेस का एक बुक प्रोवाइड किया है, एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको वो बुक चाहिए तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय भेजिए और वहाँ पे मैसेज लिख दीजिए कि सेंड मी पोजिंग चार्ट। अगर ये मैसेज आपका हम लोग जैसे रिसीव करेंगे वैसे हम आपको पोजिंग का जो चार्ट है वो आपको भेज देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।